जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रदेश के निदेशकों और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रारंभ किया, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रारंभ किया और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा और लोकसभा चुनाव 2024 और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया कि इस बार पूरे देश भर में 400 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री दिलानी है। इस क्रम में विभिन्न जो अभियान चले हैं उन अभियानों के तहत आज जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रदेश के निदेशकों और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रारंभ किया, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रारंभ किया और उसी क्रम में आज जिले के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा यहाँ इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया गया है और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 कमल के फूल हम सबको वॉल राइटिंग के रूप के अंदर पूरे जिले के अंदर हमको इस प्रकार से बनाने हैं और इसके नाते जनता में एक जागृति और जागृति के साथ साथ जिस प्रकार का एक विश्वास जनता का माननीय मोदी जी के प्रति और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में काम कर रही है उसके प्रति जिस प्रकार की आस्था और विश्वास बढ़ा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बार जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, इस आम चुनाव के अंदर निश्चित रूप से 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर विजय प्राप्त होगी। अभी हमने विधानसभा चुनाव का भी परिणाम देखा, जिस प्रकार से जिन तीनों राज्यों के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में जनता का विश्वास बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास बढ़ा है और इसी के नाते आने वाले चुनाव की तैयारी के निमित्त हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं और बूथ पर जाकर के और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का चाहे काम हो, जो अभियान वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले रखा है, चाहे फिर वो वॉल राइटिंग का काम हो या फिर जो आगामी 22 तारीख को जिस प्रकार से अयोध्या धाम के अंदर हमारे भगवान हमारे आराध्य श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके निमित्त घर घर जाकर के अलग जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वर्तमान में हमारा तीर्थ स्वच्छता अभियान भी प्रारंभ हुआ है, इसका भी विधिवत प्रारंभ अजमेर जिले में किया है और सभी मंडलों में और सभी शक्ति केंद्रों पर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जो मंदिर स्थित हैं उनकी स्वच्छता का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में लिया है और एक एक मंदिर जाकर के हम वहाँ की साफ सफाई, उसकी धुलाई, स्वच्छता, ताकि 22 तारीख को जब जनता उन मंदिरों पर आए तो निश्चित रूप से एक उत्सव का सा माहौल प्रत्येक मंदिर पर दिखे, पूरे शहर में दिखे, इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस चुनाव की तैयारी में भी लगे हैं। इस वॉल राइटिंग के माध्यम से एक जनता में संदेश हमने देने का काम किया।